ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस बात में हम सांस ले रहे हैं, जिसे कल का विश्व शक्ति माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर भारत पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगा, ये राजीव गांधी की ही देन है। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है, जिस भारत पर आज पूरी दुनिया की नजरें इनायत हैं, जिसे कल का विश्व शक्ति माना जाता है और कहा जाता है कि एक बार फिर भारत पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगा, ये राजीव गांधी जी की ही देन है। दीपक शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी जी ने ही कभी भारत को मजबूत, महफूज और तरक्की की राह पर रफ्तार से दौड़ाता मुल्क बनाने का सपना देखा था। तरक्की पसंद राजीव ने ही कभी भारत को वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया था, जिस कंप्यूटर, आईटी और टेलीफोन जैसे कई अन्य क्षेत्रों में आज हम पूरी दुनिया को टक्कर देने का दम भर रहे हैं, तो वह राजीव गांधी की ही देन है। भारत के जिन नौजवानों पर आज पूरी दुनिया की नजर है, उसकी ताकत को राजीव ने बहुत पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि एक दूरदर्शी नेता की तरह राजीव गांधी ने देश की तरक्की के लिए विज्ञान और युवा को एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश की थी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने देश में कई ऐतिहासिक और परिवर्तन वाले कदम उठाए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने, दूरसंचार, कंप्यूटर में क्रांति और युवाओं को 18 साल में मताधिकार की राजीव गांधी ने शुरुआत की। दीपक शर्मा ने कहा कि यही कारण है कि आज भारत देश के अग्रणी पंक्ति में खड़ा नजर आ रहा है। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1984 में माइक्रो कंप्यूटर्स पॉलिसी की नींव रखी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 32 बिट कंप्यूटर्स बनाने का अधिकार मिला। राजीव गांधी ने कुछ सेक्टर्स में सरकारी नियंत्रण को खत्म करने की कोशिश भी की। ये सब 1991 में बड़े पैमाने पर नियंत्रण और लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत थी। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ने इनकम और कॉरपोरेट टैक्स घटाया, लाइसेंस सिस्टम सरल किया और कंप्यूटर, ड्रैग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण खत्म किया। साथ ही कस्टम ड्यूटी भी घटाई और निवेशकों को बढ़ावा दिया। बंद अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया की खुली हवा महसूस करवाने का ये पहला मौका था। उनको आर्थिक उदारवाद की शुरुआत का श्रेय जाता है। राजीव गांधी की नेशनल और इंटरनेशनल इमेज के लोग कदरदान रहे। राजीव गांधी के पावर टू द पीपल आइडिया को उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने की दिशा में कदम बढ़ाकर लागू किया। कांग्रेस ने 1989 में एक प्रस्ताव पास करवाकर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में कोशिश की थी। 1990 के दशक में पंचायती राज वास्तविकता में सबके सामने आया। सत्ता के विकेंद्रीकरण के अलावा राजीव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 1989 में 5 दिन काम का प्रावधान भी लागू किया। ग्रामीण बच्चों के लिए प्रसिद्ध नवोदय विद्यालयों के शुभारंभ का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। राजीव गांधी के भाषणों में हमेशा 21वीं सदी में प्रगति का जिक्र हुआ करता था। उन्होंने टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में विशेष काम करवाया। राजीव गांधी को अगले दशक में होने वाली तकनीक क्रांति के बीज बोने का श्रेय भी जाता है। मतदान उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने के राजीव गांधी के फैसले से 5 करोड़ युवा मतदाता और बढ़े। दीपक शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी को यकीन था कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति का दोहन जरूरी है। ईवीएम मशीनों को चुनावों में शामिल करने समेत कई बड़े चुनाव सुधार किए गए। 21 मई 1991 को भारत के नई सदी की सोच का सपना लिए कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए, लेकिन तब तक नई सोच के इस नौजवान नेता ने भारत को प्रगति का राह दिखा दिया था, जिसे आज के भारत में हम बखूबी महसूस कर सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी पदाधिकारी ज्ञान कुमारी कौंडल, चंपा शर्मा, रवि राणा, गोपाल शर्मा, सुनील शर्मा, संजय शर्मा, उपेंद्र शर्मा, लाभ सिंह, लेखराम आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जितना लहू था शरीर में, वो इस धरती को पिला दिया। इस जमीन का कर्ज था जो चुका दिया। आज स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी की
पुण्यतिथि है। इस अवसर पे कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पे श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आधुनिक भारत के राजीव गांधी जी के जनक हैं और उन्होंने 1984 से लेकर 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। जो राजीव गांधी जी की सोच थी वो बहुत उदारवादी थी और बहुत आधुनिक थी। उन्होंने संचार क्रांति और युवाओं को जो वोटिंग का अधिकार दिया, और दूसरा जो उन्होंने एक कंप्यूटर क्रांति लाई जो एक बड़ा सराहनीय है, और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पर चलने का संकल्प लिया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली। और राजीव गांधी, जैसा कि आप जानते हैं, एक नाम ही काफ़ी है। उनकी शख्सियत एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत थी और उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। आज हमें ऐसे नेताओं पर गर्व है।